हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्लिपर सर्किट। तो जैसा कि हम क्लिपर के बारे में जानते हैं कि क्लिपर सर्किट किसी भी वेवफॉर्म को किसी पर्टिकुलर पार्ट को क्लिप ऑफ करता है, दैट मीन्स उस पार्ट को इलिमिनेट कर देता है आइदर कम्प्लीटली और पार्शियली। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन देखेंगे जब क्लिपर सर्किट की, तो उसमें हमें डिफरेंट सर्किट्स में क्लिपर की एप्लीकेशंस दिखाई देंगी। उन सर्किट्स में हम क्लिपर का यूज करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमें जनरेशन, पहला क्या हुआ, जनरेशन एंड शेपिंग ऑफ द वेवफॉर्म्स। तो क्लिपर का जो यूज है वो क्या है, जनरेशन एंड शेपिंग ऑफ वेवफॉर्म्स। किसी भी पर्टिकुलर वेवफॉर्म को अगर हमें जनरेट करना है तो हम उसे क्लिपर सर्किट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर वेवफॉर्म को किसी स्पेसिफिक शेप में अगर हमें जनरेट करना है, स्पेसिफिक शेप में कन्वर्ट करना है, तो हम क्लिपर सर्किट के थ्रू उस वेवफॉर्म को क्लिपर सर्किट पर इनपुट में प्रोवाइड करके आउटपुट में डिजायर्ड शेप की वेवफॉर्म्स को ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट्स फ्रॉम स्पाइक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर वेवफॉर्म को हम यहाँ अगर कोई पर्टिकुलर साइनोसोइडल सिग्नल जा रहा है और इसमें कहीं पे भी कोई स्पाइक्स आती हैं, स्पाइक्स मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन में सिग्नल का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाना, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह का सिग्नल है तो उसे हम सिंपली क्लिपर सर्किट को प्रोवाइड करके और उन स्पाइक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस लेवल को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसी लेवल पर रहेगा सिग्नल को। अगर मान लीजिए कि वो लेवल इस तरह का लेवल था और जहां पे स्पाइक्स आ रही थी, तो उन स्पाइक्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ कोई स्पाइक्स आई है तो उन स्पाइक्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह से यही सिग्नल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम किसी भी सिग्नल को स्पाइक्स के अगेंस्ट। स्पाइक्स क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं तो स्पाइक्स के कारण हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हार्म पहुंचने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डैमेज हो सकता है। वहां पर एम्प्लॉयड रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और एक्टिव डिवाइसेस, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये डैमेज हो सकते हैं, तो उस समय हम यहाँ पे स्पाइक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं क्लिपर सर्किट से। इसके बाद एम्पलीट्यूड रीस्टोर के फॉर्म में भी काम कर सकता है ये, एम्पलीट्यूड रीस्टोरर्स के फॉर्म में भी काम कर सकता है, मीन्स सेम एम्पलीट्यूड को रिटेन करने का काम यहाँ पे हमें क्लिपर सर्किट प्रोवाइड कर सकता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ फोर्थ एप्लीकेशन के फॉर्म में एम्पलीट्यूड लिमिटर या वोल्टेज लिमिटर के फॉर्म में भी काम कर सकता है। जैसा कि हमने देखा, हम किसी पर्टिकुलर लेवल पे वोल्टेज को लिमिट कर सकते हैं, तो ये क्लिपर सर्किट वोल्टेज लिमिटर्स की तरह भी काम कर सकता है। तो इस तरह की जो सर्किट की एप्लीकेशंस हैं, ये सर्किट्स हम टेलीविजन सर्किट्स में यूज करते हैं। इसके अलावा एफएम ट्रांसमीटर सर्किट जो टेलीविजन में, रेडियोज में डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं, तो एफएम ट्रांसमीटर सर्किट्स में यूज किया जाता है। तो ये सारी क्लिपर सर्किट्स की एप्लीकेशंस थी जो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्वालिटीज के कारण यूज की जाती हैं। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ क्लिपर यहाँ पे देखी। थैंक यू।